पिछले भाग में आपने देखा कि कुंदन की माँ सारिका होती है जिसकी छोटी बहन तारिका जो कि कुंदन की मौसी और चाची दोनों ही थी वो कुछ अजीब सी होती है वहीं दूसरी ओर निशा का रिजल्ट आ जाता है मगर उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती लेकिन महक किसी लड़के से रिक्वेस्ट कर उसके हिस्से की स्कॉलरशिप निशा को दे देती है जब ये सब हो रहा था तब वही रहस्यमय आदमी किसी को संदेश भेजकर आगे की चाल चलने को कहता है और वहाँ घर में निशा सपने में खुद के पास एक नाग देखती है और खुद भी नागिन में बदल जाती है अब देखिए आगे की कहानी निशा सपने से जैसे ही घबरा कर उठती है तो देखती है कि महक उसके सामने बैठी है और उसने उसकी गर्दन पर एक तेज धार वाला चाकू लगा रखा है महक निशा को घूर रही थी महक तू और ये सब क्या है अरे उठ गई मेरी प्यारी दोस्त <laughs> तू नहीं उठती तो मैं अभी तुझे एक सरप्राइज दे देती तेरी जान लेकर चुप कर तू ये नाटक अब किसी और के साथ करना मैं तेरी हरकतों को बचपन से जानती हूँ तू मुझे नहीं डरा सकती महक की बच्ची महक निशा की गर्दन से चाकू हटा लेती है क्या यार निशा तू तो डरी ही नहीं मैंने और मांझी ने कितना अच्छा प्लान बनाया था और फिर वहाँ सुनीता भी आ जाती है <laughs> मैंने कहा था ना महक निशा तेरे खेल में नहीं फंसने वाली <laughs> <laughs> और तीनों हंसने लगती है अच्छा ये सब छोड़ और मुझे बता कि ये क्या नाटक है चाकू वगैरह लाना क्या करना चाहती थी तू तुझे मार कर तेरा खून पीना चाहती हूँ मैं निशा ये सुन निशा महक के सिर में एक जोरदार थप्पड़ मारती है और दोनों हंसती है अरे बाबा मैं और माँ जी तो तेरे लिए केक लाए थे फिर मैंने सोचा थोड़ी सी मस्ती भी कर लूँ और सुनीता निशा के आगे केक रख देती है और क्या मेरी बच्ची इतना बड़ा खुशी का दिन है तो सेलिब्रेशन तो बनता है और निशा खुश होकर केक काटती है अच्छा निशा सुन मैंने तेरे और मेरे एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज कर दी हैं। कल से हम दोनों कॉलेज जाएंगे और फिर दोनों अपनी बातें करने लग जाती हैं माँ आपको पता है कल से मैं कॉलेज आऊँगा माँ ये सुन सारिका और कुंदन दोनों ही खुश होते हैं तभी वहाँ तारिका आ जाती है और बस सारिका की ओर देखती है कि इतने में सारिका को चक्कर आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है ये सब कुंदन को बहुत अजीब लगता था तभी कुंदन तारिका से कहता है चाची अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों बैठ कर इस बारे में बात कर लो मगर इसे लुकाछिपी खेल कर आप दोनों कब तक एक ही घर में रहोगी कुंदन ये सब बोल ही रहा था कि तभी सारिका आकर कुंदन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है क्या हुआ माँ आपने मुझे चाची से बात क्यों नहीं करने दी सुन कुंदन तू अगर मेरी भलाई चाहता है तो इन सब से दूर रहे ये मेरी और मेरी बहन की बीच की बात है तू अपना फालतू तो दिमाग मत लगा मगर माँ तारिका चाची से इतना डर कर क्यों रहती हो आखिर नहीं ये तेरा वहम है तारिका बस अलग है थोड़ी इसलिए में से कोई भी उसे कुछ नहीं बोलता और सारिका बात टालकर चली जाती है नहीं माँ ये कोई आम बात नहीं है जब बाबा और चाचा घर वापस आएंगे तब मैं उनसे पूछूंगा और कुंदन भी अपने कमरे में चला जाता है अगले दिन कुंदन कॉलेज के लिए निकलने लगता है और तारिका आकर कुंदन को दही खिलाने लगती है आज मेरे बच्चे का कॉलेज का पहला दिन है मुंह तो मीठा करके जा सारिका तारिका के चेहरे की ओर देखती है और तभी कुंदन को इशारा कर दही खाने से मना कर देती है नहीं चाची मुझे जाने में देरी हो रही है और कुंदन दही खाए बिना ही वहाँ से चला जाता है कि तभी तारिका गुस्से से सारिका के बाल पकड़कर उस पर चिल्लाती है तेरी इतनी हिम्मत जो तू मेरे काम को रोकेगी अगर तू बहन ना होती तो मैं तेरा दिमाग कब का ही ठिकाने लगा देती मगर तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमारे इस परिवार को कुछ भी नहीं करोगी <laughs> और तारिका बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर एक पेटी खोलती है जिसमें कपड़ों में से लिपटा एक कंकाल और दो हड्डियां रखे हुए थे तुझे तो पता भी नहीं है सारिका कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ <laughs> और तारिका अपने कमरे के बीचों बीच एक राग का घेरा बनाकर वहाँ बैठ जाती है और अगले ही पल सामान्य कपड़ों की बजाय काले कपड़ों में आ जाती है तारिका कंकाल को हाथ में लेकर उस पर हड्डी को मारती है जैसे ही वो ऐसा करती है गाड़ी चला रहे कुंदन के सिर में अचानक से दर्द होता है और कुंदन गाड़ी को साइड में लगा देता है ये तो बस शुरुआत है बच्चे खेल तो अभी शुरू हुआ है और तारिका वापस उस सामान को पेटी में रख कर नॉर्मल हो जाती है ये अचानक से मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है कॉलेज पास में ही है मैं पैदल ही चला जाता हूँ और कुंदन लड़खड़ाता हुआ कॉलेज के गेट तक पहुंचता है और तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है एक्सक्यूज मी आप ठीक तो है ना? हाँ बस मुझे चक्कर आ रहे हैं आइए आप मुझे पकड़ लीजिए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ कुंदन पलटकर उस लड़की को देखता है और बस देखता रह जाता है लड़की के कानों में झुमके माथे पर बिंदी खुले बालों में वो बहुत सुंदर लग रही है और कुंदन उस लड़की के सहारे कॉलेज के अंदर चला जाता है हाय आई एम कुंदन मैं मयूरी हूँ वाह तुम्हारा नाम तो काफी यूनिक और सुंदर है बिल्कुल तुम्हारी ही तरह ये लो हमारा कॉलेज कैंपस आ गया अब तुम अपनी क्लास में चले जाओ मगर मयूरी लिस्ट देखती है तो कुंदन और वो एक ही क्लास में थे वाह देखो किस्मत नहीं मिलवाया है हमें और दोनों क्लास की ओर चले जाते हैं निशा और महक भी कॉलेज पहुंचते हैं महक जल्दी चल यार लगता है आज तो हम पक्का लेट होंगे और महक और निशा भी अपनी क्लास ढूंढते हैं यार निशा तुझे तो दूसरा सेक्शन मिला है और निशा और महक अपनी अपनी क्लास में जाते हैं तभी कुंदन और निशा एक साथ क्लास में घुसते हैं जिसकी वजह से निशा के हाथ से किताबें गिर जाती हैं और कुंदन और निशा दोनों किताबें उठाने लगते हैं कि तभी कुंदन का हाथ निशा को छूता है ये देख निशा सामने देखती है और कुंदन की ओर थप्पड़ करती है तभी कुंदन भी निशा की शक्ल देखता है ओ मिस थप्पड़ ये तो आप हैं। निशा भी कुंदन को देख हाथ नीचे कर लेती है अभी भी मुझे थप्पड़ मारने की वो आदत तुम्हारी गई नहीं <laughs> अरे मुझे लगा कोई मंचला लड़का मुझे छू रहा है और दोनों हंसते हैं ये सब सामने खड़ी होकर मयूरी देख रही थी चलो कुंदन क्लास शुरू होने वाली है और मयूरी और कुंदन एक साथ बैठ जाते हैं निशा भी जाकर क्लास में बैठ जाती है और सब लोग पढ़ने लगते हैं तभी टीचर एक सवाल पूछता है मैंने सुना है मेरी क्लास में एक एडमिशन स्कॉलरशिप से हुआ है कौन है वो होना स्टूडेंट तभी सब देखते हैं कि निशा खुश होकर अपना हाथ ऊपर उठाती है सर मुझे मिली है वो स्कॉलरशिप सब लोग निशा के लिए तालियां बजाओ और कुंदन भी तालियां बजाता हुआ कुछ सोचने लगता है इसका मतलब मेरी वो स्कॉलरशिप इस लड़की को मिली है और कुंदन फ्लैशबैक में सोचता है महक जिस लड़के से निशा की स्कॉलरशिप मांगती है वो और कोई नहीं बल्कि कुंदन ही था ओ, अब समझ आया चलो अच्छा है बेचारी भरी लड़की की मेरी स्कॉलरशिप काम आई है तभी क्लास में टीचर बोलता है मगर निशा यहाँ तो फाइल में लिखा हुआ है कि स्कॉलरशिप किसी लड़के को मिली थी ये सुन निशा चौंक जाती है और कुछ नहीं बोलती तभी कुंदन को याद आता है कि महक ने कहा था कि निशा को कभी भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए सर शायद गलती से यहाँ ऐसा लिखा होगा आप आगे पढ़ाइए ना सर और पढ़ाई के बाद निशा बिना कुछ बोले ही क्लास से बाहर आती है और महक से मिलती है कैसी गई तेरी क्लास महक एक बात सच सच बता क्या ये स्कॉलरशिप मुझे ही मिली थी ये सुन महक चुप हो जाती है तो ये, ये क्यों पूछ रही है मुझे सच बता महक निशा मेरा इरादा तुझे हर्ट करने का नहीं था ये तूने ठीक नहीं किया महक इस पर जिसका हक है उसे लौटा कर आ मगर मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं उस लड़के को नहीं जानती हूँ और ना ही मुझे उसका नाम पता है ना लायक है तू तो कुंदन दूर खड़ा होकर निशा और महक की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था तभी मयूरी उसके पास आती है कुंदन क्या तुम तो मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो इस बहाने मेरा घूमना भी हो जाएगा वैसे भी मैं यहाँ पर नई हूँ और कुंदन और मयूरी रोड ट्रिप पर चले जाते हैं कुंदन और मयूरी गाड़ी में बैठे होते हैं कि तभी कुंदन की नजर मयूरी पर पड़ती है मयूरी के बाल और दुपट्टा दोनों ही हवा में लहराते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे और कुंदन बस मयूरी को देखता ही रह जाता है उधर महक भी निशा को लेकर घर आ जाती है चल महक मैं बहुत गई हूँ आज तू भी घर जाकर आराम कर और निशा अपने कमरे में आकर सो जाती है तभी निशा को अब की बार भी वही सपना फिर से आता है और निशा सपने में जाकर उस गुफा के पास खड़ी हो जाती है मगर इस बार जैसे ही वो नाग आता है निशा उसे धक्का देकर गुफा के अंदर घुस जाती है निशा जैसे ही राहत की सांस लेती है कि तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है और वो जैसे ही सामने देखती है वो देख उसके होश उड़ जाते हैं नहीं ये कैसे संभव हो सकता है अब देखिए अगले भाग में कि आखिर तारिका का मकसद क्या है जो वो सारिका और कुंदन के पीछे पड़ी है वहीं दूसरी ओर भोली निशा नहीं जानती थी कि उसके साथ आखिर ये सब हो क्या रहा है और एक तरफ कुंदन और मयूरी की लव स्टोरी का मजा लेने के लिए देखिए हमारे आगे के एपिसोड ओनली ऑन एन एम स्टोरीज थैंक्स फॉर वॉचिंग कहानी जारी रहेगी कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आगे के एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एन एम स्टोरीज और हाँ बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सारे एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे न्यू एपिसोड्स ओनली एन एम स्टोरीज पर।